Hello and welcome to Balaji Online Classes. In today's session, I, Vibhav Rastogi, will teach you the 8th chapter and the 5th chapter of your book, which is Verb. Don't get confused, it is a combined video for class 2nd as well as for class 3rd. Now, what is verb? Verb are the action words. It shows us that what people, animal and things are, what they do, what they have, what they feel or what they think or say. So these all are verb that shows us action in time. तो ये verb क्या होते हैं? Verb आपके action होते हैं जो ये बताते हैं कि people, animal और thing क्या कर रहे हैं या उनके पास क्या है या वो क्या कह रहे हैं या वो क्या feel कर रहे हैं या फिर वो क्या सोच रहे हैं. तो these all words tell us कि people, animal और thing क्या action कर रहे हैं. ये बताते हैं कि ये verb क्या बताते हैं कि people, animal and thing क्या एक्शन कर रहे हैं. क्योंकि वर्ब क्या करता है? वर्ब हमें एक्शन बताता है. एज अली स्लीप्स फॉर लॉन्ग आवर, रचना रन्स फास्ट, कपिल ईट्स फ्रूट. तो स्लीप्स, रन्स एंड ईट्स, ये क्या बता रहे हैं कि कपिल, रचना और अली क्या कर रहे हैं? वो कुछ काम कर रहे हैं. क्या कर रहे हैं? अली क्या कर रहा है? अली सो रहा है. रचना क्या कर रही है? दौड़ रही है. एंड कपिल क्या कर रहा है? वो खा रहा है ना. तो हम इन तीनों सेंटेंसेस में क्या पता चल रहा है कि अली, रचना एंड कपिल कुछ कर रहे हैं, कुछ एक्शन कर रहे हैं. वर्ब को हम डूइंग वर्ड के नेम से भी जानते हैं, तो डोंट गेट कंफ्यूज. वर्ब के अब 3 नेम हो गए आपके पास में, एक्शन वर्ड और डूइंग वर्ड एंड वर्ब विच वी हैव ऑलरेडी. तो डूइंग वर्ड अगर आपसे कोई कह रहा है तो डोंट गेट कंफ्यूज, क्योंकि वर्ब हमारे डूइंग वर्ड्स भी होते हैं. अब फटाफट से ये समझिए, आप लोग दो तरह की वर्ब अभी देखेंगे, मेन वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब. मेन वर्ब आपकी टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है, उसके मेन फॉर्म में चेंज होते रहते हैं. जैसे ईट को अगर हम पास्ट फॉर्म में बोलेंगे तो एट बोलेंगे और फ्यूचर में ये ईट ही रहेगी. ठीक है, तो ये अपने फॉर्म में चेंज करते हैं. एज स्लीप का स्लेप्ट हो जाएगा, ईट का एट, रन का रैन, ये सारी आपकी पास्ट फॉर्म हो जाएंगी. और फ्यूचर में आप जब इसे करोगे तो आप इसमें से एस हट जाएगा. मीन्स अली विल स्लीप, रचना रन, कपिल ईट फ्रूट्स, कपिल विल ईट फ्रूट, रचना विल रन एंड अली विल स्लीप फॉर लॉन्ग आवर. तो हमने क्या देखा है कि इनमें से एस हट गया है. एक और चीज, एक पॉइंट है जो आपको एस और ईएस का बताना है, बट वो लास्ट में. पहले हम लोग मेन वर्ब को कवर किए हैं, अब हम लोग अपने हेल्पिंग वर्ब को कवर करेंगे. हेल्पिंग वर्ब क्या होती है आपकी? हेल्पिंग वर्ब आपकी होती है इज, एम, आर, वाज, वर, जो टेंस को और भी ज्यादा इलाबोरेट करने में, समझाने में. टेंस मीन्स वो सेंटेंस आपका किस टेंस का है ये बताने में हेल्प करती है. क्योंकि कई वर्ब ऐसी होती हैं जो आपकी कॉन्स्टेंट रहती है, चेंज नहीं होती है. जैसे पुट पुट पुट, कट कट कट, ये कुछ ऐसी वर्ब है जो चेंज नहीं होती है. तो ये हेल्पिंग वर्ब हम लोग की इस चीज में हेल्प करती है कि सेंटेंस आपका पास्ट फॉर्म में है. और ये वर्ब पास्ट फॉर्म में है या प्रेजेंट फॉर्म में है, और सेंटेंस नीड हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि कुछ मेन वर्ब को हेल्पिंग वर्ब की जरूरत होती है. वो क्या होते हैं वो हम अपने फर्दर क्लासेस में पढ़ेंगे, बट फॉर नाउ ये इट वॉज जस्ट एन एक्स्ट्रा टेप. जस्ट अंडरस्टैंड कि आपकी मेन वर्ब ये होती हैं जो अपने फॉर्म में टेंस के अकॉर्डिंग थोड़ा सा चेंज करती हैं, बट आपकी हेल्पिंग वर्ब टेंस के अकॉर्डिंग पूरी चेंज हो जाती है, एंड सिंगुलर एंड प्लूरल के अकॉर्डिंग भी चेंज हो जाती है. इज, एम, आर, वॉज, वर, एज यू नो कि क्या है हमारी हेल्पिंग वर्ब है. इज, एम एंड वॉज
आप हमेशा किसके साथ में यूज करते हो? आप यूज करते हो प्रेजेंट, सॉरी प्लूरल के साथ में, सिंगुलर के साथ में, सॉरी सिंगुलर के साथ में यूज करते हो इज एम एंड वॉज को आप सिंगुलर के साथ में यूज करते हो, एंड वर को और आर को आप प्लूरल के साथ में यूज करते हो. एज वेल एज जब हम लोग मेन वर्ब की बात करते हैं तो जब हम सिंगुलर आपका सब्जेक्ट होता है, एज अली आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, अली इकलौता है, एक ही है, रचना भी एक ही है और कपिल भी एक ही है, तो इसके साथ में जो हमारी मेन वर्ब लगी हुई है तो ये क्या है, इन सब में क्या लगा हुआ है, एस लगा हुआ है, स्लीप्स, रन्स, ईट्स. तो सिंगुलर क्या और सिंगुलर वर्ब के साथ में हम एस या ई एस एड करते हैं प्रेजेंट टेंस में. प्रेजेंट सिंपल टेंस में हम क्या करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ई एस एड करते हैं जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है. बट जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो जाता है तो हम इन वर्ब्स के साथ में एस या ई एस एड नहीं करते हैं. अब अली एंड रचना स्लीप्स गलत है. अली एंड रचना स्लीप, रचना एंड कपिल रन्स, रॉन्ग. रचना एंड कपिल रन, एज माय सिस्टर स्विम्स इन द पूल. माय सिस्टर इकलौती बहन है, एक ही बहन है, बिकॉज माय सिस्टर एक ही सिस्टर है. एज वी कैन सी स्विम्स इन द पूल. अब वर्ब आपका क्या है, स्विम. तो स्विम में हमने, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमने क्या किया हुआ है, स्विम के साथ में एस एड किया हुआ है. एज वेल एज अब प्लूरल के लिए माय सिस्टर्स स्विम इन द पूल. फर्स्ट सेंटेंस आपका क्या था, सिंगुलर में था, और सेकेंड में आपने जब देखा कि माय सिस्टर्स, पहले क्या था माय सिस्टर और अभी क्या है, माय सिस्टर्स मीन्स मेरी बहनी स्विम इन द पूल, पूल में स्विम करती है. तो आपने वर्ब में क्या देखा है कि इसमें एस नहीं है, है ना, क्योंकि प्लूरल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस नहीं लगाते हैं. गॉट इट, वेरी वेल. जस्ट डू प्रैक्टिस एंड कीप प्रैक्टिस एंड ऑलवेज कीप प्रैक्टिसिंग, दैट विल मेक यू स्मार्ट. लेट्स सी टू थ्री मोर एग्जांपल्स. द फार्मर वर्क्स इन अ फील्ड. फार्मर वर्क्स इन द फील्ड. फार्मर वर्क करता है कहां पर, फील्ड में. तो फार्मर फील्ड में क्या करता है, वर्क करता है, क्योंकि अ फार्मर है, दैट्स व्हाई वर्क के साथ में वर्क एज आपकी वर्क की फर्स्ट फॉर्म है और इसमें हमने क्या किया है, एस एड किया हुआ है. अगर यही होता कि कई सारे फार्मर फील्ड में वर्क कर रहे तो द फार्मर्स वर्क इन द फील्ड, सेम सेंटेंस. द फार्मर, बस हमने क्या किया, वर्क में से एस हटा दिया, क्योंकि अब हमारे सिर्फ फार्मर नहीं है, फार्मर्स हैं, कई सारे फार्मर हैं. नाउ ई एस वाला भी एक सेंटेंस फटाफट से देख लेते हैं. मिस्टर मेहता टीचेस अस इंग्लिश. टी ई ए सी एच आपकी टीच की स्पेलिंग होती है और इसमें हमने क्या ऐड किया हुआ है, ई एस ऐड किया हुआ है. नाउ मेनी और वन जब आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि एस और ई एस कैसे लगाते हैं, तो मैं ऐसे यहां पर डिटेल नहीं करूंगी, उसके लिए आप वो वाली वीडियो जाकर देख लीजिए. तो मिस्टर मेहता टीचेस अस इंग्लिश. मिस्टर मेहता क्या करते हैं, हमें पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाते हैं, इंग्लिश पढ़ाते हैं. तो वो क्या करते हैं, वो पढ़ाते हैं. बिकॉज मिस्टर मेहता इज सिंगुलर, दैट्स व्हाई वी हैव एडेड ई एस इन द वर्ब. और वर्ब हमारी क्या है, यस वेरी गुड, वर्ब है हमारी टीच, इसलिए हमने इसमें ई एस एड किया हुआ है. अगर यही होता कि मिस्टर मेहता एंड मिसेस मेहता टीचर्स अस इंग्लिश, तो ये गलत होता, क्योंकि यहां पर टू पर्सन है, मिस्टर मेहता एंड मिसेस मेहता, टू पर्सन आ गए, बेस प्लूरल हो गया, इसलिए हम उसमें टीच में ई एस एड नहीं करेंगे. तो मिस्टर मेहता एंड मिसेस मेहता टीच अस इंग्लिश मीन्स एक लिटरेचर पढ़ाता है, एक ग्रामर पढ़ाती है और एक लिटरेचर पढ़ाते हैं.
हो सकता है ऐसा. तो डोंट गेट कंफ्यूज, जब प्लूरल होगा तो क्या करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस नहीं लगाना है, और जब सिंगुलर होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाना है. जस्ट सिंपल, अब देखना है कि इज एम आर वाले क्या सेंटेंस है. एज आई वॉज हैप्पी, अब हैप्पी क्या है आपका, हैप्पी आपका एडजेक्टिव है क्योंकि वो आपका स्टेट ऑफ माइंड बता रहा है. इसमें कोई भी वर्ब नहीं है, मेन वर्ब नहीं है, इसलिए आपका वॉज क्या बन गया, वॉज आपका मेन वर्ब बन गया. और ये वर्ब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि क्या है, हेल्पिंग वर्ब है. चूंकि इस सेंटेंस में आई वॉज हैप्पी में आपका कोई भी वर्ब नहीं है, इसलिए आपका हेल्पिंग वर्ब क्या बन गया, मेन वर्ब बन गया. और ये कंडीशनल सेंटेंस भी है. ये सेंटेंस क्या होते हैं ये भी हम आगे क्लासेस में, फर्दर क्लासेस में पढ़ेंगे, अभी नहीं. तो ये क्या है, आई वॉज हैप्पी, वॉज इज वॉट, वॉज इज वर्ब बिकॉज इट इज शोइंग सम एक्शन हैपन इन पास्ट. वॉज क्या बताया था, वॉज वर्ब क्या बताता है कि कुछ एक्शन हमारे हो रहे हैं पास्ट में. अब इज एम आर वॉज वर्ब क्या है हम अपने फर्दर वीडियोज में पढ़ेंगे, तो इसे भी मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा डिटेल नहीं करूंगी. I write two letters. मैं दो लेटर लिखती हूं. तो ये है आपका क्या है, ये आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है. बट इसे मैंने यहां बीच में इसीलिए डाला क्योंकि अब आई भी आई ऑल्दो आपका सिंगुलर होता है, बट आई के साथ में आप क्या नहीं करते हो, आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस को ऐड नहीं करते हो. आई के साथ में आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस ऐड नहीं करते हो, ये एक एक्सेप्शन है. एज हम आई के साथ में क्या यूज करते हैं, वर्ब की हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करते हैं, एम यूज करते हैं, है ना. सो द स्काई इज पिंक, द टाइटल ऑफ द मूवी वी ऑल हैव हर्ड. स्काई कैसी है, द स्काई इज ब्लू. स्काई कैसी है, स्काई ब्लू है. तो द स्काई इज ब्लू में कोई भी हमारा मेन वर्ब नहीं है, इसलिए हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या बन गई, एस हमारा क्या बन गया, मेन वर्ब बन गया. आई होप यू अंडरस्टूड ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स ऑफ वर्ब, क्योंकि वर्ब स्टार्ट होना मींस आपके टेंसेस भी अभी जल्दी स्टार्ट होने वाले हैं. और अगर आपके वर्ब्स और ये प्रीवियस चैप्टर्स स्ट्रांग नहीं होंगे तो आपको टेंसेस करने में बहुत प्रॉब्लम आएगी. तो जस्ट rewind the video and watch it again and do practice and see the things around you. क्योंकि verb क्या है, ये action है. कहीं भी आप देखो action हो रहा है, मैं क्या कर रही हूँ, मैं देख रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, मैं आपको बहुत समझा रही हूँ. आप क्या कर रहे हो, आप देख रहे हो, आप सुन रहे हो, आप बैठे हुए हो या फिर आप लेटे हुए हो, मम्मा खाना बना रही है, पापा ऑफिस जा रहे हैं, ये क्या है, ये सारे वर्ड में आप क्या देख रहे हो, कुछ ना कुछ एक्शन देख रहे हो. तो वर्ब एज आई ऑलरेडी टोल्ड कि ग्रामर हमारे आसपास ही है, जस्ट यू नीड टू हैव द आई टू सी द थिंग्स अराउंड यू. आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड लाइक दिस, एंड ऑलवेज डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड स्टे कनेक्टेड विद अस ऑन स्कूल मित्रा. एंड इफ यू हैव ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड आवर चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. थैंक यू.